प्रणाम जी सुंदर साह जी, आज हमने धनी के नूरी वस्त्र, उनके मूल बागी की शोभा और उनके आभूषणों को जानने का प्रयास किया। इनमें कोई भी प्रश्न हो तो पिया की मेहर से लेते हैं। शोभा का वर्णन करना चाहे तो वो भी करें सुंदर साह जी, अपने अपने दिल के भाव भी वर्णन करें। हाँ जी स्वर्ण दीदी। चांदी की कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे लगता है प्रणाम जी दीदी, आवाज नहीं आ रही, एक बार वापस आओ आप, है ना? आवाज नहीं आ रही, इनके नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ बहुत रहती है इनकी प्रॉब्लम। प्रणाम हाँ जी सुनीता जी, प्रणाम जी। दीदी। दीदी धनी के हेड में जो हार आए हैं वो नीचे से स्टार्ट होते हैं ना, हीरा माणिक नीली लसनिया, हीरा माणिक मोती मोती नीली लसनिया, नीचे से जैसल स्टार्ट होता है? हाँ है ना, नीचे से स्टार्ट होते हैं ना, जी, यहां से उससे नीचे वाला हाँ, हीरा है ना, ऊपर से ले तो अपन ये लसनिया, नीलवी, मोती, लसनिया। हाँ है ना? यहाँ पर भी देखिए अपन हारों की सुंदर दी है शोभा। अब पहले हम दिल में इन्हीं शोभा को अगर बसाते हैं, लेकिन उस शोभा में पूरा नूर भरे, चेतनता भरे, नाजुकी भरे, है ना, की हाँ धन जी का स्वरूप। बहुत प्यारा और हारों का दीदार है ना, मुझे प्रणाम। इसमें ज्यादा अच्छा लगता है धनी के स्वरूप में। अब जैसे कल श्यामा जी के जब हार का वर्णन आया था ना, तो मैंने ये स्वरूप रखा था, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ अगर ध्यान से ना देखते रहो तो ऐसे लगता है ऐसे साक्षात बैठे गले में हार पहने ये हुए। अभी मेरे पास बंगला जी की स्वरूप सामने नहीं है, तो बंगला जी की स्वरूप में भी वो हारों का दीदार बड़ा प्यारा लगता है। बहुत प्यारा है, तो वहां का श्रृंगार बहुत प्यारा करते हैं, बिल्कुल 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होता, बहुत सुषमा कड़क जी, है। जैसे भी निरखना चाहो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पर श्रृंगार में वर्णन आ जाता है कि अगर एक साथ पांचों देखने हैं तो पहले आसमान की ओर नजर करो। अगर आपने इन हारों को देख लिया और सबसे पहले माणिक की जोत आपकी नजरों में बस गई, तो उस अपन माणिक ही माणिक आप, है ना, अभी भी महसूस करो। अपन चितवन जब करते हैं, एक शोभा जब अपने दिल को लग जाती है, तो बाकी की चितवन अपने को सुनाई नहीं देती। अपन सुन भी रहे होते हैं तो सिर्फ कानों से, अपने दिल में वही चल रहा होता है जहां आपकी नजर अटक गई है। तो जब साक्षात धनी के हारों का दीदार कर रहे हैं और आपकी नजरों में मानो नील भी आ गया, मोती आ गया, तो फिर वही समा जाएगा। तो उस वक्त कहते हैं, अगर पांचों हार एक साथ बहुत है तो आसमान की ओर देखो, है ना, और ऊपर से देखना चाहते हैं नीचे से, वो तो रूह के भाव है। हाँ जी स्वर्ण दीदी, नहीं आई दीदी आवाज अभी भी, क्या चक्कर है? हाँ मीना बहन, प्रणाम वस्त्रों का भूषण प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, ओ प्रणाम हीरो जी। हाँ हीरा जी, का 5 हार बोला है ना दीदी, पांच व्रत में धनी पांच के, हारों की शोभा। हाँ, मूल बागे में पांच हारों की शोभा आई है, हाँ मोती, हीरा माणिक नीलवी, मोती पन्ना नीलवी और कंसरी रसनिया। लसनिया। एक बार बताओ दीदी, ये हीरा हीरा, माणिक, हाँ माणिक मोती, नीलवी और लसनी, लसनिया। रिपीट कर लो ना फिर मन में पड़ जाएगा। दीदी मैं भी एक बार रिपीट करूं, हीरा हाँ जी, हाँ जी, माणिक हीरा, माणिक, मोती मोती और नीलवी लसनिया लसनिया लसनिया। प्रणाम जी प्रणाम जी। एक हार की शोभा को भी लेता है ना दिल में, हीरे का हार। तो पहले तो यहां वाला ले, यहाँ का हीरे का हार, फिर उसमें वो हार मेरी पिया का हार है, तो उसके अंदर सुगंधी भी, नरमाई भी, कोमलता भी। अब वो हीरा कितना कोमल ही होगा अगर आप हाथ फेरते हो धनी के उन हार के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि वो आपको चुभ रहा है, वो सुंदर नाजुकी लिए।
फिर माणिक, मोती, मोती की उजास, नीलम और लसनी, ऐसे पांच रंग। हाँ जी स्वर्ण दीदी, आप देखना। प्रणाम जी हाँ जी प्रणाम जी, अब आ रही आवाज आपकी। हाँ जी हाँ जी, श्यामा महारानी जी के श्रृंगार का वर्णन करें। हाँ, वो कल करेंगे दीदी, ठीक कल करते हैं अच्छे से करेंगे ना, अभी फिर जल्दी हो जाएगी अपने को, कल ठीक करते हैं आराम से। हाँ है, प्रणाम जी। जी कृष्णा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं चरणों की आभूषण उनका वर्णन थोड़ा सा दोबारा से समझना चाहती हूँ। हाँ जी करते हैं, ये देखो, ये देखो, ये झांझरी एक पायल की तरह है हाँ जी ना, इसमें 10 नग हैं, 10 रंग यहाँ पर भी दे दिए, पर जब हम धनी की पायल को देख रहे हैं, झांझरी को देख रहे हैं, तो जितने नग अपने दिल में बैठ सके, है ना, जब चितवन में फिर हम नहीं गिनेंगे कि 10 नग है या 15 है या 20 है, धनी कितना दिखा रहे हैं, 2 दिखा रहे हैं, 3 दिखा रहे हैं, 4, लेकिन हाँ एक बार अपन जब इलम से कर रहे हैं तो 10 नग है इसमें। अब इसमें उन्होंने, सुधा ने पूरी कोशिश की है सभी रंग देने की, है ना, 10 नगों को देखो, तो सुंदर नकाशी, सुंदर कांगरी। हाँ जी ये दीदी, इतना उसको आपने समझाया था तब बनाया उसने। हाँ, आपस में बात हुई है हमारी, वो बिल्कुल नया सुंदर सा आता है, अभी जागा है। उसका नंबर मुझे देना, मैं मिलके आऊंगी। कानपुर हाँ ठीक है, में है ना, मैं मिलके आऊंगी। हाँ जी, अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसकी जागने को। फिर ये देखो घुंघरी, पहले तो एक एक घुंघरू, घुंघरू होता है ना अपन, मतलब जब नृत्य करती है नृत्यांगना, तो नीचे घुंघरू होते हैं, तो वो एक एक घुंघरू, उस एक एक घुंघरू में कई प्रकार की नकाशी, इस पिक्चर में नहीं है, इस एक एक घुंघरू में कई प्रकार की नकाशी। फिर घुंघरू की जो कुंडियां आई है ना, उसके ऊपर पूरी ये कांगड़ी बेल बूटियां। अब थोड़ा यहाँ पे छोटा नहीं कर सकते ना अपन, कि उस डिजाइन को दिखाना है तो चीज बड़ी हो जाती है, लाल मानी की कुंडियां और ये ऊपर कांगड़ी। अब उन कुंडियों के अंदर अर्श रसायन पिरोया, यानी धागे में पिराई, अपन उसको यहाँ की भाषा में समझे कि धागे में पिरोई हुई, लेकिन वो धागा क्या है, अर्श का रसायन है, पिया का ही नूर है, और वो जब चरणों में बंधती है तो उनके फुंदन लटकते हुए, तो झांझरी घूंघरी काम भी हो जाती है। एक चैन, अपन चैन पहनते हैं गलों में, तो जो उसका जो डिजाइन होता है, और दूसरे डिजाइन से जब जुड़ता है दूसरी कड़ी से, तो बीच में एक चैन सी आती है, कुंडिया सी आती है ना, इस तरह से कुंडिया आती है ना, एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं। हाँ पूरी वैसे तो नहीं हो पाएंगी, जैसे ये इस तरह से चैन जुड़ती है ना, कुंडे कुंडे में कुंडे डली हुई। से कुंडा, तो जब ये जो कड़ी है यहाँ पर, एक कड़ी अपनी हो गई, ये देखो अब 3 कड़ी है, मैं तीनों में निशान लगा रही हूँ यहाँ, इस मतलब कामी में 3 कड़ी है, ये 3 कड़ियां है। अब इन तीनों कड़ियों में अलग अलग वाणी में वर्णन आ जाता है कि एक एक कड़ी में अर्श के नजारे, कि आप देखते जाओ तो आपकी पूरी उम्र इस कामी को देखने में ही बीत जाए, तो भी कामी की शोभा संपूर्ण नहीं हो। तो जैसे इसमें दिखा दी नौम दसवीं काशी, इसमें फूल बाग नूर बाग, है ना, तो एक एक कड़ी में अर्श के नजारे, अर्श के नजारे देखना चाहते हैं, धनी का स्वरूप देखना चाहते हैं, उनके एक एक अंग की, तो वो फोकस हम कहते हैं ना कि यहाँ इसके ऊपर फोकस करे, इसको जूम करे, जैसे अपन बात करते हैं वो चीज, तो अपने को एक एक श्रृंगार उसमें नजर आए। अब ये कड़ी से कड़ी जो जुड़ी हुई ना, ये जो चैन से जुड़ेगी, तो उस चैन के ऊपर इन मोती की पुतलियों का शोभा, मतलब वो जो चैन है उसके ऊपर मोती की पुतलियां हैं, और वो मोती की पुतलियां बिल्कुल हम रूहों का स्वरूप लिए हैं, उन्होंने भी मतलब चरनिया साड़ी चोली, उनके भी आभूषण होंगे चरणों के, झांझरी घुंघरी कांबी कडला, अनवट बिछिया भी होगा, बेनी लटकती हुई यहाँ नजर आ रही है अपने को, जूम करके देखें अपने अपने उसमें, मैं एक बार जूम करती हूँ, ये देखिए बेनी बेली साड़ी में से झलकती बेनी भी नजर आ रही है, तो ये हो गई लटकती तांबी। और ये कड़ा, कड़ा जहां जुड़ता है वहां पर भी सुंदर शोभा,
यहाँ पर भी हम कई कड़े देखते हैं, हाथों में पहनते हैं, या हाथों में, अपन तो हाथों में ज्यादा पहनते हैं, चरणों में तो गांव की देखा होगा अपने पहनते हुए, गांव की बहनों को। तो जो ये पहनते हैं तो जहां जुड़ते हैं वहां पे हाथी घोड़ों के मुख बने होते हैं, तो उस तरह से हम जैसी शोभा लेना चाहते हैं वो। और ये कड़ा भीतर से पोला है, उसके अंदर घुंघरू है, तो उसकी भी झनकार, झांझरी की झनकार, घुंघरी की झनकार, कांबी की और कड़ला की भी। तो सबसे अलग अलग पानी वर्णन आता है ना, कि जब नवरंग बाई नृत्य कर रही है वो चाहती है सिर्फ झांझरी बजे तो झांझरी बजेगी, कि अब सिर्फ कड़ा बजे या एक घुंघरी बजे, अब दो, अब तीन, कैसे? क्योंकि तो वो उसका अंग ही है, जैसे हम चाहते हैं हमारी एक उंगली हिले तो एक ही हिलती है, अब वो घुंघरी भी उनके अंग की शोभा है। अब वो अपनी चाहना अनुसार चार को बजाएगी, पांच को, एक को, जैसे उसके दिल की चाहना है। तो ये अपने हो गए झांझरी, घुंघरी, कांधी, काटला। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। मैं तो ऐसा लग रहा देखती रहूँ चरणों को। हाँ हाँ जी, जी ठीक है, मैं नाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। प्रणाम जी, सुंदर सा जी। प्रणाम मुझे जी। थोड़ा ध्यान आता है, वो राधा कृष्ण सीरियल देखा था ना, उसमें कृष्ण के पैर में उन सारी आभूषण पहनाए थे, बहुत सुंदर लगता था वो, और वो बार बार उसको ना थपकी दे दे के बजाया करते थे। देखते हैं, अगर होगा तो उसकी पिक्चर निकालते हैं फिर। मुझे जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो वही ध्यान आता है, पैरों में आभूषण। ये सुंदर सा जी क्वेश्चन हो रहे हैं, दिखाएंगे जयकारा बुलाएं। चितवन से। हाँ अगर इलम से दिखा रहे हैं धनी तो भी उनकी मौज है ना, है सही ना? बात तो है। दिखा इसलिए दिखा रहे हैं ना, कहते हैं धनी दे, मतलब धनी को देना होता है तो पहले उपजा देते हैं, तभी उपजाया। राज्य में धीरे धीरे देना चाह रहे हैं, ये तो नजर आता है, ये हाँ तो जी नजर नीलम आता जी, हाँ जी नीलम जी, है। प्रणाम जी, प्रणाम थोड़ा जी। सा ओके फिर से बता दो, मैं थोड़ा उठ गई थी। कानों क्या चीज? बाले, बाला जो बता रहे थे, कानों में बाले हैं। बालक है ना, दो बार वर्णन आ गया आज, तो एक बार वीडियो देख लेना, नहीं क्लियर हुआ तो फिर कल करते हैं। ठीक है, हाँ, दो के लिए मैं उठ गई थी, कोई आ गया था ना तो फिर। नहीं आज दो बार वर्णन हुआ है, एक बार या तो मीटिंग एंड करके फिर दोबारा करती हूँ। हाँ जी, सर जी अपना टाइम हो रहा है, एक बार जयकारा बुलाते हैं। बोलो हाँ जी, हाँ जी, श्री प्राण और राधा नाथ। राधा की जय। सतगुरु।